पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पल्लवी, पल्लवी प्लीज रिलैक्स, रात को यहीं जाने दो, आगे मत बढ़ा। जाने दूंगी आकाश, बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दे कि इन्हें मेरी जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे शांति चाहिए, शांति। तू यहां रहेगी ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तूने कभी देखा है अपनी बहनों को यहां रुकते हुए, ठहरते हुए? ना ना, क्योंकि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं, मायका पराया हो जाता है। ये बात तेरी समझ में नहीं आती? तूने हर 15 दिन यहां आने का प्लान बना दिया। मायका पराया हो जाता है, मैं यहां आती हूं तो आपकी शांति खत्म हो जाती है। व्हाट आर यू टॉकिंग पापा? पापा, I'm sorry, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतना कलेश हो जाएगा, पल्लू को इतना बुरा लगेगा। मैं कल ही आपका पैसे वापस ट्रांसफर कर दूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं होता मुझसे। मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ता हूं, तुझसे, तेरे पति से, इन सबको। ये मेहमान नवाजी करना मुझसे नहीं हो रहा। अरे, 3-3 बेटियों को पाला है, शादी करवा दी मैंने, अब बस मुझे अकेले जीने दो, मुझे सुकून की जिंदगी काटने दो। जितनी जिंदगी बची है ना, बस आराम की जिंदगी काटना चाहता हूं। बच्चे, आप प्लीज हाथ वाथ मत जोड़िए, आप ही के घर है। आकाश, तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है। बिना वजह मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा और फिर लोग कहेंगे कि मैं अपने दामाद के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा हूं। जयदेव जी, ये आपके और आपकी बेटी के बीच की बात है। मेरे बेटे पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? उसने क्या गलत किया है? ये भी तो आपके घर का दामाद है। एक दामाद के लिए पैसे और दूसरे पर गुस्सा निकाली, इसकी क्या गलती है इसमें? मैंने नहीं कहा है किसी को यहाँ आने के लिए। आपका बेटा खुद मेरी बेटी के साथ यहाँ पर आया है। ले जाइए ना अपने बेटे को, अपने साथ घर पे बिठाइए। अपनी बेटी के साथ मैंने तुम्हारी शादी करवा दिया था। अपनी पत्नी को संभालो, अपनी गृहस्थी संभालो। बस पापा, और मत बोलना। मैं अपने हस्बैंड या अपनी सास या किसी भी ससुराल वाले के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। आप उनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते तो फिर जाइए ना, दरवाजा खुला है, जाइए सबको लेके। राइट पापा, जा रही हूँ। आपको शायद अपनी बेटी की मान मर्यादा की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे अपने पति, अपने ससुराल के मान की बहुत फिक्र है। चलो आकाश, चलिए मम्मी जी, चलिए सब लोग। मैं कहीं जाने वाला हूं नहीं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा यहीं पर। ये मेरी बच्ची है, मैं इसका बाप भी हूं और मां भी। पल्लू जा रही है। तुम्हें भी मुझे कुछ सीख देनी है? दो। तनु, इस वक्त पापा का मूड खराब है, कुछ मत करो।
पापा मैं थोड़ा रुक जाऊं यहाँ? अगर आप चाहें तो पापा जी। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। मुस्कुरा रहा हूं, देखो। राहुल को साथ ले जाओ, कल इसका स्कूल होगा, ले जाओ। दो, प्लीज। थैंक यू। ठीक है पापा, चलो तनु, पापा को आराम करने दो। पापा अपना ख्याल रखिएगा, चलो। ये तन्वी के बाप को अचानक हो क्या गया है? कोई घर आए दामाद और समधी को ऐसे भगाता है क्या? अरे वो पापा के पैसे, पापा उसे जो चाहे जैसे चाहे खर्च करे, कुछ भी करे, तेरा क्या है पल्लो? क्या गलत क्या कहा है इसने? पैसे मेरे, आंगन मेरा, घर मेरा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। आकाश तुम बीच पे मत बोलो तो बेहतर होगा, बिना वजह मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा और फिर लोग कहेंगे कि मैं अपने दबाव के साथ बदसुलूकी से पेश आया। मैंने आज आस्था जी, बहुत कड़वा बोल दिया मैंने आज, इतनी ज्यादा कड़वाहट कि शायद ये कड़वाहट की टेस्ट मेरी जबान से कभी जाएगी नहीं। अपनी लाडली पल्लू को और उसके पति को पर्स के नाम पे इतना कुछ बोलना पड़ा मुझे, अब ना मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई आस्था जी। अपर्णा जी से वादा किया था ना, निभा दिया मैंने। अब कुछ निभाने के लिए बचा ही नहीं बेटी। मुझे बुला लो। पल्लू बेटी, ये पापा को माफ कर दो, तू मेरी समझदार बेटी है ना, मुझे माफ कर दो, मुझे बस माफ कर दो। हेलो अपर्णा जी, मैंने अपना वादा निभा दिया, आकाश और पल्लवी को अपने ससुराल वापस भेज दिया मैंने, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। बस अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, बहुत दिल तोड़ा है मैंने उसका, सारी जिंदगी मैंने उसे कभी इस तरह से बात नहीं की है अपर्णा जी, आज मेरी बच्ची पूरी तरह से टूट गई होगी और वक्त लगेगा उसे दोबारा खुद को जोड़ पाने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उसका साथ जरूर दीजिएगा, अब उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके घर में। अब बस मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, उसका ख्याल जरूर रखिएगा अपर्णा जी। बंद करो, अभी चाची को आराम करने दो, हाँ बाद में आना, चलो जाओ। जाने दीजिए भाभी, म्यूजिक ही तो चला रहा है, कोई तो खुश रहे।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।